हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन अप पे। तो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, सभी को एक साथ बोलता हूँ मैं। तो अपने कंटिन्यू चले हैं। तो आपको जैसा पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, 22वां संस्करण था इसका, अभी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया है। तो फीफा वर्ल्ड कप के जितने भी एमसीक्यू पर्सन या फिर आने वाले एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पर्सन के बारे में आ सकते हैं, उन सभी पर्सनों को अपने यहाँ से करेंगे। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कहाँ हुआ, कौन से नंबर का था, इसको सबसे बार किसने जीता था, कैसे जीता गया, लास्ट में क्या हुआ था, कौन सी दो टीमें खेली गई थी, उसके बारे में कंप्लीट, जितने भी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जितने भी अच्छे पर्सन बनेंगे वो सारे पर्सन यहाँ से कवर कर लेंगे। अपने सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको एक एक फैक्ट आपको मैं बताते हुए चलूंगा। तो वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो को देखने से पहले एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, तो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता रहे, हमको भी ऊर्जा मिलती रहे, भी आपके आने वाले एक नया टॉपिक तैयार करता रहे। और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी टन टन दो बार दबा देना, और बटन को सब्सक्राइब कर दो, और सभी ग्रुपों में प्लीज रिक्वेस्ट आपसे इसको शेयर भी कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप जो अभी 22 के अंदर खत्म हुआ था, यानी कि कतर दोहा के अंदर खेला गया था, 22वां जिसका संस्करण था, उसके बारे में। तो एक बार लाइक करो बटन को और चलते अपने कहां पे गया मार्कर। हाँ जी, सबसे पहला पर्सन क्या, सॉरी, इसके जितने भी फैक्ट अभी देखते अपने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट देखते हैं। हाँ जी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का वर्ल्ड कप था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था। 22 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य हुआ था, और इंपॉर्टेंट है कौन से नंबर का था, 22वां संस्करण था, 22वां संस्करण था, 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के मध्य हुआ था। 20 नवंबर से चला था और 18 दिसंबर यानी कि 28 दिनों तक चलने वाला था, 22वां संस्करण था, इतना इंपॉर्टेंट। और दूसरा, कहां पे हुआ था भाई साहब, कतर के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ, कतर के अंदर हुआ था। अगला, यह अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप था, यानी कि अरब देशों में होने वाला पहला विश्व कप था, कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप, 22वें नंबर का था, कहां पे, कतर दोहा में हुआ था, 20 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य चला था। अब की बार कुल 8 ग्रुपों की 32 टीमों ने भाग लिया, यानी कि प्रत्येक ग्रुप के अंदर 8 × 4 बराबर 32, प्रत्येक ग्रुप के अंदर 4 टीमें थी, टोटल 8 ग्रुप थे, 8 में से 32 टीमों ने अब की बार भाग लिया था, कितना, 32। जबकि 2026 में जो 23वां संस्करण होगा, 2026 में जो 23वां संस्करण होगा उसमें 48 टीमें भाग लेगी, उसके अंदर 48 टीमें भाग लेगी, अब की बार 32 टीमों ने भाग लिया। अगला, 18 दिसंबर 2022 को फ्रांस और अर्जेंटीना के मध्य के बीच कतर के अंदर फाइनल मुकाबला खेला गया, फाइनल मुकाबला खेला गया था कतर में, एक स्टेडियम पड़ता है लुसेल स्टेडियम में, कतर के लुसेल स्टेडियम में यह फाइनल मुकाबला खेला गया था, कौन सा, फाइनल मुकाबला कतर के लुसेल स्टेडियम में खेला गया था, कतर के फाइनल मुकाबला यहां पे खेला गया था। 22 में फीफा विश्व कप था, 22वें नंबर का था, 20 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य हुआ, कतर के अंदर हुआ था, अरब दुनिया का पहला विश्व कप था, अरब का पहला विश्व कप था, टोटल 8 ग्रुप थे, 32 टीमों ने भाग लिया, जो 2026 में 23वां नंबर का होगा वो 48 टीमें भाग लेंगी, और जो फ्रांस, जो फाइनल हुआ फ्रांस व अर्जेंटीना के मध्य हुआ था, कतर के अंदर खेला गया था, और लुसेल स्टेडियम में खेला गया था, कौन से स्टेडियम में, लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। चलते अपने आगे, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां से देखते हैं,
90 मिनट तक दोनों टीमें दो दो की बराबरी थी, यानी कि जो इसका मुकाबला होता है जो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं दोनों टीमें दो दो की बराबरी के ऊपर थी, यानी कि दो दो की बराबरी के ऊपर थी, दोनों टीमें दो दो की बराबरी के ऊपर थी। एक्स्ट्रा टाइम यानी कि प्रत्येक जगह एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम जब भी पूरा हुआ तो तीन तीन की बराबरी में चली जाती है, लेकिन इनको लास्ट में फिर पेनल्टी शूट आउट दिया गया। पेनल्टी शूट आउट ने लियोनेल मेसी ने दो गोल करके अर्जेंटीना टीम को विश्व विजेता बना दिया, अर्जेंटीना टीम को विश्व विजेता बना दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मैसी कौन सी टीम का था, अर्जेंटीना का था, कौन सी का था, अर्जेंटीना का था। आगे 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप जीता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 सालों के बाद में, 36 साल के बाद में अर्जेंटीना यह विश्व कप जीता था। आगे चलते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से कवर हो जाएंगे, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से कवर हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। इसका आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट कर लेना, इसका आदर्श वाक्य क्या था, एक्सपेक्ट अमेजिंग, एक्सपेक्ट अमेजिंग इसका आदर्श वाक्य था, जिसका मतलब कमाल की अपेक्षा करे, कमाल की अपेक्षा करें। अगर पूछे फीफा वर्ल्ड कप का आदर्श वाक्य क्या था, एक्सपेक्ट अमेजिंग, कमाल की अपेक्षा करें। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का अगर नारा पूछे, नारा क्या था, ना विजाल ना विजाल अब सब कुछ है, ना विजाल अब सब कुछ है। यह आयोजन कतर के 5 शहरों के 8 स्टेडियम में किया गया था। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना याद रखना, कतर के अंदर हुआ था। इसका वाक्य याद रखना, एक्सपेक्ट अमेजिंग, कमाल की अपेक्षा करे। 22वां फीफा वर्ल्ड कप जिसका नारा नाविजाल अब सब कुछ है, और कतर के अंदर खेला गया था। अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया था, इसका कोई इंपोर्ट, फ्रांस को हराया था, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के इसको जीत लिया था। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बटन है उसको भी टक के तरह दबा दो। तो चलते अपने आगे, यहां तक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए, चलते आगे। आपके पेपर में बहुत काम के है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी कंप्लीट देखना, आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बहुत मेहनत के साथ लाया हूं मैं। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर लाइव था, इसका शुभंकर तो लाइव था। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। अगर पूछे इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर लाइव था। लाइव अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। शुभंकर तो लाइव था, नारा तो नाविज आल था, आदर्श वाक्य एक्सपेक्ट अमेजिंग था, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 22वें नंबर का था, कतर में खेला गया था, फ्रांस को हराया था, अर्जेंटीना ने जीत लिया था। है फीफा विश्व कप 2022 का ऑफिशियल ट्रैक था, इसका ट्रैक कौन सा था, है इसका ऑफिशियल ट्रैक था, ठीक है। 22वें फीफा वर्ल्ड कप 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कतर देश के 5 शहरों में हुआ, लुसेल, अलखोर, दोहा, अल रयान और अल बकराहा, यानी कि इंपॉर्टेंट ये पड़ता है, लुसेल के अंदर फाइनल मुकाबला हुआ था। फाइनल मुकाबला कतर के लुसेल शहर में खेला गया था, फ्रांस व अर्जेंटीना के मध्य खेला गया था। आगे चलते हैं, फीफा विश्व कप फुटबॉल का आरंभ इंग्लैंड में माना जाता है, फुटबॉल इंग्लैंड में शुरू हुआ था। यही विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। विश्व फुटबॉल का आरंभ भी इंग्लैंड से माना जाता है, और शेफील्ड फुटबॉल क्लब भी सबसे पहला था विश्व का इंग्लैंड में जिसका गठन हुआ। फीफा फीफा फेडरेशन, इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है।
विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है जो विश्व कप करवाती है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 के अंदर हुई थी। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको पता होना चाहिए और सभी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपके एग्जाम में पेपर होने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको, बहुत ज़्यादा काम किया आपके। फीफा विश्व कप फीफा द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। फीफा जो आयोजित करते हैं उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया, जिसको विजेता उरुग्वे तथा उपविजेता अर्जेंटीना बना था। पहला जो विश्व कप था, पहला विश्व कप 1930 में खेला गया था, उरुग्वे जिसको जीता था, वर्तमान में अर्जेंटीना जीता है इसको। पहला यह जीता और 22वां अर्जेंटीना जीता था, ठीक है। वर्ष 2018 में रूस में आयोजित किए गए विश्व कप फ्रांस विजेता तथा क्रोएशिया उपविजेता था। 2018 में जो रूस में खेला गया था, पहला उरुग्वे में खेला गया और उरुग्वे इसको जीता था। 2018 का रूस में खेला गया लेकिन उसको फ्रांस ने जीता था। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। और 22 वाला आपको पता ही है, फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने जीता। अब तक ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार विश्व कप जीते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राजील ने सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, सर्वाधिक ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, सर्वाधिक 5 बार ब्राजील ने इसको जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये रहा। इस खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या 11 होती है। मोहन वागन फुटबॉल क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में, कोई इतना खास नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ जी, आपके प्रश्न पूछ रहे थे अभी, आपको कितना नॉलेज हुआ। अब तक किस देश ने सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप जीते हैं? हाँ जी बताओ, किसने जीते हैं? फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने, फ्रांस ने जीता है, अर्जेंटीना ने, उरुग्वे ने या फिर ब्राजील ने? अब तक सर्वाधिक बार किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। कितनी बार? सर्वाधिक बार 5 बार किसने जीता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तक सर्वाधिक बार किसने? ब्राजील ने जीता है। कितनी बार जीता है ब्राजील ने? 5 बार इसको जीता है, 5 बार जीता है। अगला प्रश्न। हाँ जी, दूसरा प्रश्न। पहला फुटबॉल विश्व कप वर्ष 2019 में किसने खेला था, किसने हुआ था? पहला विश्व कप कब हुआ था? यह उरुग्वे के अंदर हुआ था, उरुग्वे, और इसने ही जीता था, क्रोएशिया को हराया था, इसने ही जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पता होना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा, फीफा का स्थापना 1904 के अंदर हुई थी, 1904 के अंदर हुई थी, अभी करके आया, पता होना चाहिए। अगला प्रश्न। पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में किस देश ने जीता था? उरुग्वे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलते हैं अगला। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? यह फ्रांस ने जीता था। किसने? फ्रांस ने जीता था। रूस में खेला गया था और कौन से नंबर का था? 21वें नंबर का था, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला। कतर में आयोजित 22वें फीफा विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर तो इसका क्या था लाइव था। एक उच्च क्षमता वाला खिलाड़ी था शुभंकर, क्या था? लाइव था, ये आपको पीछे बता दिया मैंने, अभी बता के आया हूँ, पता होना चाहिए। अच्छा, कतर में आयोजित 22वें फीफा विश्व कप का नारा क्या था? नारा तो नाविजोल, अब सब कुछ है नाविजोल, और इसका वाक्य एक्सपेक्ट अमेजिंग था, और इसका शुभंकर तो लाइव था, पता होना चाहिए, ठीक है। चल, पता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कतर में आयोजित विश्व कप का आदर्श वाक्य तो एक्सपेक्ट अमेजिंग, अभी पढ़ के आए। अगला, 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2021 किस देश में हुआ? कतर में हुआ था, कतर में, अरबी देश का पहला था, अभी पढ़ के आए, अरबी देश का पहला था। 22वें फीफा विश्व कप का फाइनल मैच किन देशों के मध्य था? फ्रांस व अर्जेंटीना के मध्य था, इसमें फ्रांस तो उपविजेता बनता है और अर्जेंटीना विजेता बनती है, विजेता, और मेसी भी इसी टीम का था।
ये भी अभी देखते हैं, और यहाँ पे जैसे ही अपना देख लेते हैं तो अपना क्या कंप्लीट हो जाता है, फीफा विश्व कप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पेपर में आने के लायक आपको मैंने सारे करवा दिए। इसी कड़ी में आगे चलते रहेंगे, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर करना। अगर इसके आंकड़े आपको अच्छे लगे, आपके पेपर के काम के हो सकते हैं, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगली क्लास में।